साथियों रशिया ने अमेरिका के बिल्कुल नाक के नीचे ले जाकर के पनडुब्बी खड़ी कर दी है जो कि परमाणु से चलने वाली है परमाणु बम दागती है न्यूक्लियर सबमरीन ले जाकर अमेरिका के बिल्कुल सामने ले जाकर रशिया ने खड़ी कर दी है अब आप कहेंगे कि सर यह बात तो कुछ सुनी सुनी सी लग रही है हमने कहा कैसे ऐसे ही एक बार 1962 में भी हुआ था जब रशिया ने अमेरिका के सामने क्यूबा नामक देश में अपनी मिसाइलें खड़ी कर दी थी अगर आप उस घटना को याद रखते हैं तो समझ लीजिए कि क्यूबन क्राइसिस दोबारा से जन्म ले चुका है रशिया ने फिर से वहीं ले जाकर के वही हरकत कर दी है जो 1962 में की थी और 1962 कितना खास था बस मैं आपको इस बात से बता सकता हूं कि अमेरिका ने उस समय के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने बकायदा पब्लिकली अनाउंस कर दिया था कि वी आर एट वॉर हम किसी भी समय युद्ध में एंट्री कर सकते हैं आप इससे अंदाजा लगाइए कि अमेरिका के लिए कितनी सांस ऊपर नीचे हो जाने जैसा होता है जब रशिया उसके सामने खड़ा हो जाता है ऐसी स्थिति क्यों बनी है आज के सेशन में यही सारी बातें करनी है दुनिया भर में अभी क्या रशिया यूक्रेन कम था क्या फिर गाजा का कम था या चाइना ताइवान का टेंशन कम था जो पुतिन महाशय अपनी सबमरीन ले जा करके अमेरिका के सामने खड़ी कर दिए हैं यह उस समय हो रहा है जब भारत के प्रधानमंत्री जी सेवन की बैठक भाग लेने के लिए इटली गए हैं भारत के प्रधानमंत्री का जाना तो मायने रखता ही है लेकिन जी सेवन देशों का इकट्ठे होकर और वहां पर रशिया यूक्रेन मामले में यूक्रेन के साथ के लिए निर्णय लेना उनको धमकाने की पुतिन की यह स्ट्रेटजी कितनी कारगर होगी आज के सेशन में चर्चा करेंगे और ये चर्चा इसलिए खास हो जाती है क्योंकि आप कितने दिन तक ये कहते रहोगे शेर आया शेर आया शेर आया हो सकता है कि एक दिन वो घटना हो ही जाए और दुनिया युद्ध के बिल्कुल निकट पहुंच जाए इसलिए आज का सेशन बेहद खास है लेकिन इस सेशन को सुनने से पहले मैं आपको कुछ बातें पुरानी याद दिलाता हूं आप याद करिए 6 जून को इसी रियल न्यूज़ एंड एनालिसिस में मैंने आप लोगों को एक जानकारी दी थी जिसमें मैंने यह कहा था कि फ्रांस को रूस ने धमकी दी है और कहा है कि अगर आपने ड्रोन चलाने की परमिशन दी यूक्रेन को तो मैं आपके लोगों को मरवाऊंगा आप याद करिए सेशन हमने आपके साथ साझा किया है आपको याद हो तो मैंने यह भी सेशन में जानकारी दी थी उसी दिन कि बाइडेन ने यूक्रेन को परमिशन दे दी है कि वो रशिया के ऊपर हमला कर सकता है अगर ये सब बातें आपको ध्यान आ रही हैं तो आपको फिर आज का ये सेशन देखना चाहिए क्योंकि वाई आर रशियन वॉरशिप्स इन क्यूबा ये हेडलाइन है रशियन शिप्स अराइव इन क्यूबा कोल्ड वॉर अलाइज न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन इन क्यूबा देश और दुनिया की खबर बने हुए हैं मैं आपको याद दिला दूं दुनिया में जहां एक और क्यूबा में जाकर के मिसाइल खड़ी हो गई हैं, या सबमरीन खड़ी हो गई हैं, वहीं दूसरी ओर दुनिया के एक कोने में यूरोप के एक देश इटली में एक सम्मेलन हो रहा है जिसका नाम G7 है हमने कल अंकित इंस्पायर इंडिया पर इस विषय पर सेशन किया था और उसमें मैंने ये जानकारी दी थी कि यहां पर जो चर्चाएं होंगी उन चर्चाओं में सबसे पहली चर्चा रशिया यूक्रेन वॉर है तो रशिया यूक्रेन वॉर की चर्चाएं हो रही हैं साथियों ये चर्चा साथ ही साथ तब और खास हो जाती हैं जहां एक और भारत के प्रधानमंत्री जी में पार्टिसिपेट करने के लिए एज ए गेस्ट पहुंचे हैं वहीं पर जेलेंसकी को भी बुलाया गया है व्लादिमीर जेलेंस जो कि जेलेंस यूक्रेनी राष्ट्रपति हैं इन्हें भी बुलाया गया है और इन्होंने पहुंचकर यहां पर अमेरिका के साथ एक जबरदस्त हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन कर लिया है साथियों जिसे जेलेंस की खुद हिस्टोरिक डे बता रहे हैं कह रहे हैं कि अमेरिका से इतना बढ़िया आज तक हमने कभी कोई समझौता नहीं किया जिसमें हमें यूक्रेन की डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए इंटेलिजेंस के शेयर के लिए और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए डिफेंस इंडस्ट्री बेस तैयार करने के लिए अमेरिका का साथ मिला हो इसका मतलब यह है कि यूक्रेन के लिए जो अमेरिकी प्रेम है वो जी सेवन में उमड़ उमड़ के सामने आया है तो फिर पुतिन का भी गुस्सा होना लाजमी है पुतिन इसी को काउंटर करने के लिए अपनी परमाणु पंडुबी जिसका नाम है कजान उसे ले जाकर क्यूबा में खड़ा कर दिए हैं और साथ में अपना एक जहाज फ्रिगेट भेजे हैं एडमिरल जो कि दुनिया में सबसे बेहतरीन युद्धक विमानों में से कंसीडर किया जाता है है उसे भी यहां पर भेजा गया युद्धक जहाजों में माना जाता है उसे भी यहां पर भेजा गया है और यह क्यूबा के बंदरगाह पर पहुंचा है और यहां पर पांच दिनों तक रहेगा इसका टेक्निकली टाइम वो रखा गया है जिस समय जी सेवन मीटिंग चल रही हो तो परमाणु पंडुबी कजान भी यहां पर पहुंच चुकी है अब यह कहां की चर्चा हो रही है एक बार के लिए मैं पर समझ लेते हैं साथियों आप एटलांटिक ओशन देखिए एटलांटिक ओशन में पश्चिम की तरफ चलेंगे तो कैरेबियन ओशन दिखाई देगा कैरेबियन ओशन के उत्तर की तरफ एक देश है जिसका नाम है क्यूबा ये वो देश है जिस पर कभी अमेरिका का कब्जा हुआ करता था लेकिन अमेरिका को भगाने में एक बहुत ही बड़े क्रांतिकारी का नाम सामने आया था जिसका नाम है फिदेल कास्त्रो कहते हैं कि उसे अमेरिका ने मारने के लिए 600 से ज्यादा बार प्रयास किए लेकिन वो अंत तक जीवित रहा मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अमेरिका की बिल्कुल नाक के नीचे अपना गढ़ जमाए बैठा रहा और अमेरिका उसका बाल भी बाका ना कर पाया इस क्यूबा की आज चर्चा हो रही है इस क्यूबा को अगर आप ध्यान से देखें तो स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा क्रॉस करते ही सामने अमेरिका दिखाई पड़ता है मतलब ये बिल्कुल वैसे है जैसे भारत के लिए मालदीव्स इस तरह से क्यूबा फ्लोरिडा के सामने है और यह बिल्कुल एंटी अमेरिका है एंटी अमेरिका है और यह पूरी तरह से सोवियत रूस के साथ मिलकर के चला आ रहा है यानी कि एकदम कम्युनिस्ट विचारधारा का साम्यवादी विचारधारा का देश है ठीक है साहब क्यूबा के पास में इस तरह का जहाज इस तरह की सबमरीन का पहुंचना और साथ ही साथ जो गोरशकोव यहां पर पहुंचा है एडमिरल गोरसोव उसमें दुनिया की सबसे तेज चलने वाली मिसाइल ज़िरकॉन भी साथ में उपस्थित है तो गोरशकॉव के साथ साथ मिसाइल ज़िरकॉन भी है कजान और गोरशकॉव रूसी बेड़े के इस फ्लीट के साथ ऑयल टैंकर्स भी हैं यानी एक प्रकार से यह समझकर चलिए कि रूस ने इस प्रकार का अपना बेड़ा यहां भेजा है कि अगर जरूरत पड़े तो यह अपने आप में काफी दिन तक युद्ध लड़ सकता है हालांकि युद्ध लड़ने की आगाज के लिए एकदम अमेरिका के सामने रशिया मोर्चा खोल देगा ये केवल कयास लगाए जा सकते हैं लेकिन इस बारे में यह समझना आवश्यक है कि रूस जहां एक और यूक्रेनी फ्रंट पर युद्ध लड़ रहा है वही दूसरी ओर अमेरिका को वहां जाकर उसी के देश में धमका रहा है कि अगर तुमने कुछ भी यूक्रेन के साथ ऐसा करने का प्रयास किया जो जी में हो और वो मेरे खिलाफ हो तो मैं तुम्हारे लिए यहां पर बिल्कुल नुमाइश लगाकर बैठा हूं जब ये सब बातें हो रही हों तो निश्चित ही हर कोई व्यक्ति यह सोचना चाहेगा कि क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है क्या मतलब मात्र 90 मील की दूरी पर क्यूबा और फ्लोरिडा अमेरिका हैं तो क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है क्या कि क्यूबा ने अमेरिका की नींदें उड़ा दी नी हों? बिल्कुल हुआ है साहब इस मैप को ढंग से देख लें क्यूबा के अंदर एक जगह है जिसका नाम जिसकी राजधानी है हवाना हवाना सिंड्रोम के नाम से भी आपने कई बार सुना होगा हवाना सिंड्रोम एक प्रकार का वो लक्षण है जिसमें कि अमेरिकी डिप्लोमेट्स को क्यूबा के अंदर इलेक्ट्रिक शॉक से परेशान किया जाता था हमने इस पर सेशन किया पुराने जमाने में <coughs> फिलहाल के लिए हवाना और मियामी आमने सामने हैं ये अमेरिका का फ्लोरिडा है और ये दोनों नब्बे मील की दूरी पर हैं और यहां ले जाकर अगर रशिया अपना मिसाइल सिस्टम खड़ा है तो कुछ तो समझा रहा होगा कुछ तो याद दिला रहा होगा तो क्या याद दिला रहा है तो आइए मैं आपको याद दिलाता हूं क्यूबा का मिसाइल क्राइसिस जो हुआ था अक्टूबर उन्नीस में <coughs> साथियों क्यूबा की खोज 28 अक्टूबर चौदह को कोलंबस के द्वारा की गई थी कोलंबस ने खोज की स्पेन ने इस पर शासन किया क्यूबा पर अंग्रेजों ने सत्रह में अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने क्यूबा पर स्पेन को हराकर कब्जा कर लिया और एक साल बाद ही वापस स्पेन को लौटा दिया क्योंकि फ्लोरिडा से क्यूबा की अदला बदली कर ली गई थी मतलब कि भाई फ्लोरिडा दे दो और क्यूबा ले लो तो एक प्रकार से स्पेन के साथ एक्सचेंज कर लिया गया था अठारह में, में युद्ध के दौरान अमेरिका और क्यूबा की सेनाओं के हाथों स्पेन की हार हो जाती है और स्पेन ने अपनी पूरी तरह से मतलब संप्रभुता त्याग कर इसे अमेरिका को सौंप दिया अमेरिका यहां पर 1902 से कब्जा करके बैठा था 1902 से अमेरिका जब यहां पर कब्जा करके बैठा रहा तो लंबे समय तक अमेरिका अपनी सेना को यहां पर बेस बनाकर रहा लंबे समय तक बेस बनाकर रहा तो यहां पर धीरे-धीरे अमेरिका के खिलाफ जनता में एक सेंटीमेंट उत्पन्न होना शुरू हुआ जब सेंटीमेंट हुआ तो यहां पर एक नेता निकले जिनका नाम था फिदेल कास्त्रो और उन्होंने अमेरिका को और अमेरिका द्वारा बिठाए गए राष्ट्रपति को भगाने का निर्णय लिया। परिणाम यह कास्त्रो के चलते अमेरिका ने जो अपना यहां पर एक राष्ट्रपति बिठाया हुआ था उसे हटना पड़ा जिसका नाम बतिस्ता था बतिस्ता को हरा करके फिदेल कास्त्रो सत्ता में चले आते हैं आप हैं फिदेल कास्त्रो जो कि अमेरिका के खिलाफ पूरी जनता को इकट्ठा करने में कामयाब होते हैं कास्त्रो अमेरिका के द्वारा क्यूबा में विकसित किए गए जितने भी बेसिस थे या फिर जो भी सेंटर्स थे उन सब पर अपना कब्जा कर लेते हैं और क्यूबा को अमेरिका से दूर भगा देते हैं साथियों ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें मारने के अमेरिका के द्वारा 600 से अधिक प्रयास किए गए लेकिन हर प्रयास में अमेरिका नाकामयाब इसलिए रहा क्योंकि फिदेल कास्त्रो समय के साथ ये सीख गए थे कि कोल्ड वॉर एरा में अमेरिका का विरोधी है सोवियत रूस अगर सोवियत रूस का साथ इन्हें मिलेगा तो फिर अमेरिका इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा यही हुआ फिदेल कास्त्रो ने सोवियत रूस का साथ ले लिया और वामपंथी तरीके की सरकार अपने यहां पर बना ली जिसके चलते रशिया यानी कि उस समय का जो सोवियत रूस है उसने इनकी मदद करने के लिए अपने वेपन्स को इनके यहां पर रखना शुरू कर दिया कि आप चिंता मत करिए अमेरिका अब आपके ऊपर कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा मैं आप लोगों के पास अपने भेज भेज रहा रहा हूं हूं इस प्रकार का सामान भेज रहा हूं, जिसके चलते आप आसानी से अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे कोई बात नहीं साहब इधर अमेरिका कास्त्रो को हटाने के लिए जो कास्त्रो के विरोधी लोग थे उन्हें इकट्ठा करके कास्त्रो के खिलाफ उकसा रहा था इससे फिदेल कास्त्रो सचेत हो गए और अमेरिका के सभी प्रयासों को समझ गए कि अमेरिका मुझे हटाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा आप विचार कीजिए कि इन्हें मारने के लिए अमेरिका के द्वारा जहरीला पेन जहरीली कॉफी इवन गर्लफ्रेंड से धोखा उसको भी स्पाई बना करके भेजा गया मतलब अमेरिका ने वो हर प्रयास किया फिदेल कास्त्रो को खत्म करने के लिए जो वो कर सकता था लेकिन कास्त्रो ने समय की मांग को समझा और अमेरिका के खिलाफ सोवियत रूस को साथ ले लिया सो ियत रूस को साथ में लेकर के पूरी तरह अमेरिका के विरोध में तैयारियां शुरू कर दी जहां 1961 में बे ऑफ पिग्स नाम से प्रॉपर तरीके से अमेरिका ने फिदेल कास्त्रो को हटाने का प्रयास किया था उसके ही खिलाफ

अमेरिकन एजेंसीज को ये जानकारी मिली कि रूस ने क्यूबा में अमेरिका के खिलाफ हमले की तैयारी कर ली है अमेरिकी एजेंसीज को जैसे ही ये जानकारी मिली तो वो हवाई जहाज लेकर फ्लोरिडा के ऊपर से उड़े ये जानने के लिए कि क्या कुछ है क्यूबा में अमेरिका के खिलाफ ये हवाई जहाज़ यूएस एयरफोर्स का था जब ये उड़ा तो इसकी आंखें फटी फटी की फटी रह गई। जो इसमें बैठे जासूस थे, उनके हाल हाल उड़ गए। उन्होंने देखा कि 928 तस्वीरों में जहां जहां उनकी नजरें पड़ी वहां पर परमाणु मिसाइलों का जखीरा सामने खड़ा था यह ऐसी स्थिति थी जिसे देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी घबरा गए उन्होंने इस तरह की हैरानी में अपने देश को संबोधित कर दिया कि भाई हमने अभी क्यूबा के दर्शन किए हैं हमें पता चल गया है कि क्यूबा हम पर हमले की तैयारी कर रहा है ऐसी स्थिति में परमाणु युद्ध फिर से हो सकता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तीसरा वर्ल्ड वॉर के लिए कोल्ड वॉर एरा में यूएस US और यूएसएसआर आमने सामने थे और स्थितियां इतनी गजब तरीके से विकट हुई कि अमेरिका में घबराहट हो गई घबराहट हुई तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने 26 अक्टूबर को देशवासियों को संबोधित किया और कहा कि अगले कुछ दिनों में हम लोग जंग में जा सकते हैं हम पर परमाणु हमला हो सकता है लेकिन क्या रूस इस चीज के लिए पूरी तरह तैयार था कि वो जॉन एफ कैनेडी के ऊपर हमला करेंगे और कैनेडी के ऊपर हुआ हमला कैनेडी बदले में रूस पर हमला करेंगे तो वो क्या रशिया इस चीज के लिए तैयार था असल में हुआ क्या था उस दौर में एक गड़बड़ अमेरिका ने की थी अमेरिका ने क्या की थी अमेरिका रशिया के खिलाफ तुर्की में अपने वेपन्स इकट्ठे कर रहा था तुर्की में वो वेपन्स खड़े कर रहा था ताकि सोवियत रूस पर जाकर मिसाइल चलाई जा सके जैसे आज अमेरिका कर रहा है यूक्रेन को अमेरिका अपने नजदीक क्यों बढ़ा रहा है ताकि वो रूस के खिलाफ एक्शन करने में यूक्रेन का उपयोग कर सके क्योंकि यूक्रेन और रशिया की सीमा साझा होती है एग्जैक्टली उस दौर में अमेरिका ने गुपचुप तरीके से तुर्की के अंदर अपने मिसाइल खड़े कर दिए थे यूएसएसआर के खिलाफ कोल्ड वॉर का समय था ऐसी स्थिति में इन्होंने भी उसके काउंटर में क्यूबा में मिसाइल खड़े कर दिए थे अब इसका मतलब यह हुआ कि यह स्थिति इतनी घातक हो गई थी कि अगर क्यूबा से मिसाइल चलती है तो तुर्की से भी रशिया की तरफ यानी यूएसएसआर सोवियत रूस की तरफ मिसाइल चलना तय था स्थितियां बिगड़ रही थी स्थितियां बिगड़ रही थी तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ने एक प्रयास किया कि अगर अब सोवियत रूस अपने जहाज क्यूबा की तरफ भेजे तो हम क्यों ना उन जहाज़ों को रास्ते में रोक दें अमेरिका ने यही किया साथियों रास्ते में अमेरिका ने एक प्रकार का ब्लॉकेड क्रिएट कर दिया ताकि सोवियत रूस के जहाज क्यूबा तक ना पहुंच पाए उसने पानी में बहामाज के पास अपने जहाज़ों को एक लाइन से खड़ा कर दिया ताकि सोवियत रूस को अगर युद्ध का आवाहन देना है

इस आमने सामने में यह तैर तय मान लिया गया था कि अब किसी भी समय एक दूसरे पर हथियारों का उपयोग किया जा सकता है इसी बीच में एक खबर आती है और वो खबर आती है एक डिक्टोग्राफ के द्वारा और डिक्टोग्राफ के द्वारा क्या था मतलब ये तो तय हो गया था था कि क्यूबा को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन इसके साथ ही एक खबर निकलती है और वो खबर निकाली गई जुनीता मुआड़ी के द्वारा जुनीता टिक्टोग्राफ होता है जिसमें कि आप मैसेज भेजते हैं एक देश से दूसरे देश की तरफ उन्हें इंटरसेप्ट करती हैं खुफिया एजेंसीज़ इन्होंने एक मैसेज इंटरसेप्ट किया और वो मैसेज था कि इस खाड़ी में खड़े हुए जो रशियन जहाज हैं वो वापस लौट रहे हैं ये वो मैसेज था जिसके चलते अमेरिका को ये आंसर मिलने वाला था कि रशिया युद्ध में है या युद्ध से बाहर है क्योंकि उस समय स्थितियां ऐसी बन गई थी कि अमेरिका यूनाइटेड नेशंस को संबोधित करने जा रहा था कि हम पर हमला हुआ है और हम उसका जवाब देने जा रहे हैं ऐसे समय पर इनके द्वारा दिया गया ऊपर की तरफ मैसेज कि सर रशियन फोर्सेस लौट रही हैं बस यह खबर थी जिसने अमेरिका को युद्ध से बस छू के बाहर निकाल लिया एक खबर एक मैसेज जुआनिटा मूडी का जिसने तत्कालीन रूप से अमेरिका को अनाउंस करने से रोक लिया कि हम अब युद्ध में हैं खैर हुआ परिणाम यह कि रशियन जहाज यहां से लौटे लेकिन रशिया ने अपनी तरफ से शर्तें अमेरिका के सामने रख दी कि अगर आप चाहते हैं कि युद्ध ना हो तो चलिए नेगोशिएशन नेगोशिएशन करिए में दो बड़ी शर्तें लगाई गई पहला कि अमेरिका फिर कभी क्यूबा पर आंख उठाकर नहीं देखेगा यानी क्यूबा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सोवियत रूस ने अपने ऊपर ले ली और नंबर दो अमेरिका ने जो तुर्की में अभी जाकर अपने परमाणु बम खड़े किए हैं या फिर मिसाइलें खड़ी की हैं यह इन्हें हटाएंगे अमेरिका ही बातों के लिए माना और क्यूबा इस प्रकार से हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया और फिर तर्की से भी अमेरिका ने अपने जहाज हटाए अपने वेपन्स हटाए और फाइनली जाकर के युद्ध के बादल छट गए आज के समय में इस बात का महत्व क्या है इस बात का महत्व है काउंटर मेजर्स करना यानी कि एक देश को दूसरे देश से चुनौती देते हुए पीछे धकेलना ऐसी स्थिति में आज अगर रशिया यूक्रेन कंफ्लिक्ट में अमेरिका यूक्रेन के साथ एग्रीमेंट कर रहा है तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखने वाली बात यह है कि यूक्रेन को रोकने के लिए फिर से अमेरिका को धमकाने में क्यूबा का उपयोग कर रहे हैं पुतिन यही कारण है कि रशिया का जो नेवल फोर्स है वो ड्रिल करने के लिए क्यूबा पहुंच चुका है और ऐसी स्थिति में जब इनसे पूछा गया कि क्या परमाणु बम भी लाए हो क्या तो इन्होंने साफ मना किया परमाणु बम नहीं, नहीं लाए हैं बस परमाणु रिएक्टर से चलने वाली सबमरीन लेकर आए हैं खैर इस बीच में अमेरिका ने यूक्रेन के साथ एक ऐसा एग्रीमेंट साइन कर लिया है जिसे यूक्रेन बड़ा खुशी के साथ सेलिब्रेट कर रहा है कह रहा है कि हमने ऐतिहासिक क्षण हासिल कर लिया है अमेरिका के साथ 10 साल, साल के लिए ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जिसे हम हिस्टोरिक कहेंगे जो आने वाले समय में यूक्रेन के काम आने वाला है अमेरिका एनी टाइम अब यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा इस बात के क्या मायने हैं यह तो समय बताएगा लेकिन फिलहाल के लिए की यह वॉर स्ट्रेटजी क्या कुछ और जी सेवन के अंदर होने से रोक सकती है अथवा नहीं ये देखना होगा मेरे प्यारे साथियों इसी के साथ में आपके कमेंट्स कमेंट बॉक्स के अंदर मांगने अपेक्षित हैं और एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए और अनाउंसमेंट यह है कि आप लोगों के लिए सोलह तारीख से एनसीआर बैच के अंदर एडमिशन ऑलरेडी में रखते हुए History, Geography, Policy, Economy का UPSC Foundation NCRT batch मात्र में लाया जा रहा है जिस बैच में आप लोगों के लिए प्रॉपर तरीके से एनसीआर की बुक्स का डिस्कशन होगा फाउंडेशन बैच तो होगा ही होगा साथ ही साथ आपको एनसीआर का बैच मिलेगा एनसीआर का कंटेंट मिलेगा और साथ में आपको प्रॉपर तरीके से टाइम इंटरवल पर टेस्ट मिलेंगे जो आपको जो पढ़ाया गया है एनसीईआरटी से आपके जो सवाल जवाब हैं वो पूरे बन जाएंगे इस इस खास मौके पर इस बैच को क्यों लाया जा रहा है इसका कारण जान लीजिए क्योंकि 16 तारीख को यूपीएससी का प्रीलिम्स है जो बच्चे प्रीलिम्स लिख रहे हैं बेहतर है और जो प्रीलिम्स के साथ अगले बार के लिए तैयारी में उतरना चाहते हैं वो इस बैच के साथ अपनी तैयारी को जगह दें क्योंकि यहीं से आपका फाउंडेशन बनना शुरू होगा ये क्लासेस पूरी तरह लाइव होंगी और जो आप लाइव ना देख पाएं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध होंगी आप इन बैचेस के अंदर प्रॉपर तरीके से मुझसे अपने डाउट डिस्कशन कर पाएंगे प्रॉपर वीकली टेस्ट दे पाएंगे एक साल की वैलिडिटी के 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 साथ यूपीएससी लिए लिए यह यह फाउंडेशन बैच बैच लॉन्च किया जा रहा है अपने आप को जाकर के रजिस्टर करिए केवल दिन ओपन के रहेगा जिन्हें एडमिशन लेने हैं तत्काल प्रभाव से जाकर अपनी सीट्स रिजर्व कर लीजिए ठीक है साहब इस बैच के अंदर प्रॉपर तरीके से हिंदी और इंग्लिश में कंटेंट दिया जाएगा आपको डिक्टेट कराया जाएगा कि आपको यह चैप्टर यूपीएससी के पढ़कर आने हैं प्रॉपर तरीके से आप एक फ्लो चार्ट उपलब्ध करा दिया जाएगा कि तैयारी करते समय क्या ध्यान रखना है यूपीएससी यूपीएससी, द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं फिर चाहे वो सीडीएस, सीएससी या फिर स्टेट पीसीएस उन सब के लिए बेहद काम का होगा लेकिन हाँ यह तय है कि इस फाउंडेशन में एनसीआरटी 6 से लेकर बारह तक की कवर कराई जाएंगी और उन एनसीआरटी के रेफरेंसेज भी आपको साथ ही साथ उपलब्ध कराए